राम राम भाइयों, ये है कपास की खेती। आप देख सकते हो कि ये पूरा खेत जो कपास की खेती करी हुई है और अच्छे कपास की जो कैरी बोली जाती है वो भी आ गई। आप देख सकते हो कि इतनी इतनी हो गई है। जैसे जैसे इसका टाइम होता जाएगा ऐसे ही इसकी जो बीज है वो बड़ा होता जाएगा। आप देख सकते हो कि जो खेडूत काम करता है तो बहुत ही मेहनत लगती है और बढ़िया से कपास हो रखी है। आप देख सकते हो और सामने घास है ज्वार का गाय भैंस को डालने के लिए। आप देख सकते हो कि पूरी हरियाली हरियाली है। ये जो छोटे छोटे क्यारी में देख रहे हैं कि ये सब्जी उगाई हुई है, ये टमाटर। आप देख सकते हो कि जो सब्जियों में तैयार हो जाएंगे और ये बैंगन के छोड़ है ये भी अच्छी तरह से चिपक गए हैं। और ये है भाई मिर्ची। आप देख सकते हो कि मिर्ची के छोड़ है वो बढ़िया से उगा दिए है और कम से कम 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हो यो है भाई मीठा नीम जो हम सब्जी में डालते हैं। तो हमारी देसी भाजिया में गांव में हम मीठा नीम बोलते हैं। आप देख सकते हो कि जैसे दाल हो सब्जी हो उसमें डालने के बाद उसका स्वाद है बढ़िया बन जाता है। और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि क्या क्या सब्जियां उगाई हुई है भाई बीन्स। आप देख सकते हो कि अंदर मूंग भी उगाई हुई है और बीन्स। आप देख सकते हो कि इसकी सब्जी जो है बढ़िया सी बनती है। आप देख सकते हो कि हमने कपास में भिंडी के ऐसे छोड़ है जो हमने उगाए हुए हैं। आप देख सकते हो कि साथ साथ में कपास के अंदर भिंडी भी उगाई गई है। तो दुकान से ज़्यादा सब्जी ना लानी पड़े इसलिए खेतों में ही जो है खेडूत अपनी सब्जी भी उगा देता। आप देख सकते हो। और ये है भाई लकड़ी का नहीं है अभी तक। आप देख सकते हो ये है भाइयों गाय भैंस के लिए पशुओं के लिए जो घास है हम डालते हैं। तो बढ़िया सा एक नंबर का घास है। अगर आप भी ऐसा घास अपने खेतों में लगाएंगे तो कम से कम 3 से 4 साल लगातार ये रहेगा। जितना इसको पानी दोगे उतना ये हरा और दूध भी जो खेत की क्वालिटी वो भी बढ़ाता है ये खाद।